ढाका में आके अगर आपने ये रिक्शा की राइड नहीं ली तो क्या ली। बांग्लादेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की ये डबल डेकर बस ढाका यूनिवर्सिटी मेट्रो पे हिंदी आती है आपको? थोड़ा थोड़ा। पुलिस की गाड़ी है वो। बांग्लादेश थाने की चाय, चलती फिरती लाइब्रेरी। हाँ, ये देखो कितना 5 to 7। ढाका यूनिवर्सिटी फीमेल कोच ऑफ बांग्लादेश मेट्रो। इतने लोग लगा देंगे ताकि आप निकल ना पाओ। हिंदुस्तानी लड़की जो बांग्लादेश के अंदर मौजूद है, ढाका के अंदर मौजूद है और हिंदू टेंपल घूमती है, साथ ही साथ बांग्लादेश की मेट्रो रेल को देखकर वो क्या बात करती है, बांग्लादेश के लोगों से क्या बात करती है, तो आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो शुरू करते हैं जी। 1 2 3 गो। ढाका में आके अगर आपने ये रिक्शा की राइड नहीं ली तो क्या ली। बांग्लादेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की ये डबल डेकर बस ढाका यूनिवर्सिटी मेट्रो पे हिंदी आती है आपको? थोड़ा थोड़ा। पुलिस की गाड़ी है वो। बांग्लादेश थाने की चाय, चलती फिरती लाइब्रेरी। हाँ, ये देखो कितना 5 to 7। ढाका यूनिवर्सिटी फीमेल कोच ऑफ बांग्लादेश मेट्रो। इतने लोग लगा देंगे ताकि आप निकल ना पाओ। हेलो गाइस, व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा कैसे हम खुलना से डबल डेकर बस लेके पहुंचे ढाका। बहुत लेट हो गया था और हमने यहाँ पे लिया है ये रूम। आपको पता है बांग्लादेश की एक क्या खास बात है, यहाँ के चाहे रूम हो चाहे ऑटो हो कैदी बना के रखते। देखो पीछे पूरा से जाल लगा है, ये पीछे हमारा रूम है और रूम के यहाँ बाहर बालकनी में ऐसे जाल लगे हुए हैं। पीछे के घरों में भी देखोगे ना तो जाल है, सब पैक्ड रहता है, पता नहीं क्या रिस्क है भाई। ये नया एक्सपीरियंस हमें देखने को मिला है। हम यहाँ पे स्टे कर रहे हैं, पीछे देख रहे हो ये रूम काफी नीट एंड क्लीन लगा। ये रूम ये पड़ा है 3500 टका। तो यहाँ हम हो चुके हैं रेडी और निकलते हैं अभी सबसे पहले ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट में है पास्ता, थोड़ा सा पास्ता लिया, थोड़ी चाउमीन, यहाँ का पराठा देखो कैसा होता है, ये परोठा है और साथ में थोड़ी सी सब्जी। यहाँ पे मॉर्निंग में मैं देख रही हूँ सूप मिल रहा है, ऐसा कुछ है यहाँ पे बैठने का। और आज मौसम बड़ा ही क्लाउडी है। स्पेशलिस्ट चाय है, कौन सी चाय होती है ये? मसाला चाय। चीयर्स टू बांग्लादेशी चाय। ये होटल है हमारा, देख सकते हो होटल एयर इन। और यहाँ पे हमारे ना करेंसी खत्म हो गई थी, जो 20,000 टका निकलवाया था ना हमने एयरपोर्ट से लिया था वो खत्म हो गई, तो हमने यहाँ पे आके देखो 10,000 टका लिया है। तो यहाँ पे इस होटल में ये फैसिलिटी भी मिल जाएगी। थोड़ा सा कन्वर्जन रेट जो है वो एयरपोर्ट पे थोड़ा सा ज़्यादा मिला था, 1.43 के हिसाब से मिला था, परंतु यहाँ पे मिला है 1.32 के हिसाब से। फिर भी सहूलियत है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। और ये होटल भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है ना, ढाका की उत्तरा में आता है, उत्तरा जो सिटी है ना वो रहने के लिए घूमने के लिए काफ़ी अच्छा है। होटल से बस वॉक करते करते यहाँ पहुँचे हैं। एक चौक है, ये पूरा यहाँ पे ना आपको रिक्शाज और ऑटो मिलने के चांसेस है। देखो बहुत सारे यहाँ पे लाइन से रिक्शा लगे हुए हैं, बट हमें तो चाहिए ऑटो। ऑटो मिलेगा कहाँ, देखते हैं। इस चौक को क्या कहते हैं, चौक नेम? जोशीमुद्दीन रोड। ओके, ऑटो 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 हो गया, ऑटो। सीएनजी बोलना पड़ता है यहाँ पे, आपने आपको ना ऑटो को सीएनजी बोलना पड़ेगा तब रुकेंगे, ये बता रहे हैं भैया इधर। सीएनजी कमलापुर जाएंगे? कमलापुर हाँ जाएंगे। कितना रुपया टका? 500 रुपया। 500 रुपया, अरे बाबा। देखो ऑटो रिक्शे कैसे जेल वाले ऑटो है यहाँ पे। यहाँ का ट्रैफिक देखो सुबह सुबह गाड़ियाँ, ये गाड़ी देखो कितनी बड़ी है भाई, ऐसी ऐसी गाड़ियाँ यहाँ पे ज़्यादातर चलती हैं। देखो आगे भी देखोगे यहाँ पे ये गाड़ी कितनी बड़ी है। देखो ये ऐसा है और इन्होंने हमें इंसिस्ट किया कि हमारे साथ एक चाह पियेंगे इनके साथ। नमस्कार जी, नमस्ते, जय इंडियन। Yeah. Please, thank you. बांग्लादेश थाने की चाय। यूनिस भाईजान ने हमें यहाँ पे ऑटो करवा दिया है। वैसे हमें मतलब थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी बांग्ला की वजह से, बट ये मिले। कितने रुपए लेंगे कमलापुर जाने का? 500। ठीक है, ये ऑटो देखो इनके ऑटो कैसे है, कैदी जैसे ऑटो होते हैं। आगे से देखोगे ये भी जेल है और पीछे से भी इसको ऐसे बंद कर देंगे। तो ये ऑटो में हम बैठ गए और ऐसे ये बंद कर दिया, ठीक है, और अंदर से भी ऐसे ये लॉक लगा देंगे ताकि आप निकल ना पाओ। पूरा जेल में कैद है। देखो ये ऐसे ऑटो होते हैं बांग्लादेश के। इतना जाम है उस तरफ, देखो
से इतना पोल्यूशन, मुझे लगता है अगर ए के आई चेक करेंगे ना यहाँ का तो हज़ार होगा। कहाँ हम दिल्ली में ए के आई देख के डर जाते हैं, दिल्ली का ए के आई 600 बजे आता है तो फट जाती है हमारी। इधर से देखिए ढाका एलिवेटेड एक्सप्रेस वे की तरफ जा रहा है ये रोड, और हमारा तो पता नहीं कोई एक्सप्रेस वे ही नहीं आ रहा, जैम ही जैम बस। तो सबसे पहले आए हैं ढाका कमलापुर स्टेशन पे, जहाँ से हमें मिलने वाली है हमारी रिटर्न जर्नी की टिकट। पीछे देखेंगे ये काउंटर बना हुआ है जहाँ से हमने अभी परचेज की है मैत्री एक्सप्रेस, जो कि ढाका से कोलकाता के बीच चलती है ट्रेन। तो उसके लिए आपको पासपोर्ट और पैसे लेके आने होंगे, और टिकट हमने ले लिया है ताकि हमें जाने में प्रॉब्लम ना हो। तो इसकी भी पूरी डिटेल जर्नी आपको मिलने वाली है कि कितने रुपये की टिकट है, कैसे बुक करनी है, एंड हाउ टू रीच एंड एवरीथिंग। तो सबसे पहले हम जाते हैं अभी ढाकेश्वरी टेम्पल। ढाकेश्वरी मंदिर कितना लेता है ढाका? 200 नहीं, कितना ढाका? 150 नहीं, नो। ढाकेश्वरी मंदिर कितना ढाका? ढाकेश्वरी कितना ढाका? कितना, हाउ मच ढाका? 86 रुपये। तो चल रहे हैं अब इनके साथ ढाकेश्वरी मंदिर। ये रिक्शा देखो कैसा है इनका, मजेदार है इनका रिक्शे। ढाका में आके अगर आपने ये रिक्शा की राइड नहीं ली तो क्या ली, धूप लगती, धूप लगती है ऊपर, इसको कवर कर दो ऐसे। हाँ 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 हाँ, ये देखो ऐसे कवर हो गया, आपको धूप नहीं लगेगी। अब देखो यहाँ पे कितना जाम है, बाप रे बाप। ये देखो कैदी ऑटो। ढाका जो है ना वर्ल्ड का 8th पॉपुलेटेड सिटी है, इतनी पॉपुलेशन, 10 करोड़ की पब्लिक सिर्फ ढाका में रहती है, ढाका में बसती है। भाई ढाका वालों थोड़े बच्चे बच्चे कम पैदा करो। क्या नाम है आपका, क्या नाम? अबू तलहा। कबूतर तलहा, कबूतर पकड़ो है? कबूतर पकड़ो है? अलहमन। किलोमीटर कितना? 5-7। ये देखो छोटा सा रिक्शा, अरे बेबी का। देखो कितने लाइन से, देखो रिक्शा ही रिक्शा। बसलिंग इधर सामने कोकोनट वाटर, इधर होंकिंग रिक्शा। मेट्रो रेल है। ओ ये ऊपर देखो पूरा मेट्रो चलती है यहाँ से, अभी कोई दिख जाएगी तो मेट्रो मजा आ जाएगा। पुलिस की गाड़ी देखो यहाँ की, नीली नीली होती है ऐसी पुलिस की गाड़ी। ये स्ट्रीट बाजार लगा हुआ है, तो देखिए आप स्ट्रीट बाजार है पूरा। और सामने देखो ये डबल डेकर बस है, बांग्लादेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की ये डबल डेकर बस है। देखो इसमें भी पब्लिक फुल अठस, यहाँ जहाँ भी देखोगे हर जगह पब्लिक फुल मिलेगी। ये बांग्लादेश का सेक्रेटरीट है और पूरा काफ़ी बड़ी ह्यूज बिल्डिंग है, और यहाँ पे ये मेट्रो स्टेशन है बांग्लादेश सेक्रेटरीट। देखिए पूरा बिल्डिंग ह्यूज, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री कॉलेज। ओके क्या नाम है कॉलेज का? ढाका विश्वविद्यालय ढाका यूनिवर्सिटी। ओके ढाका यूनिवर्सिटी, खूबसूरत बहुत ही बड़ी दिख रही है, देखिए जरा एक बार। वाह भाई वाह वाह, ढाका यूनिवर्सिटी। और यहाँ की गाड़ी देखो एम्बेसडर बड़ी बड़ी। नेम प्लीज। स्वाधीनता सत्तर। अच्छा ओके हाँ। सुंदर है, काफी सुंदर जगह है। तो यहाँ पे हमारे रिक्शे वाले भैया ने ड्रॉप कर दिया है ढाकेश्वरी मंदिर के बिल्कुल सामने। ये है हमारा प्राचीन ढाकेश्वरी मंदिर जो कि ढाका शहर में है। तो ऐसी है कुछ एंट्रेंस श्री श्री ढाकेश्वरी नेशनल टेम्पल ढाका। यहाँ पे मुझे लगता है प्रसाद मिल रहा है, तो ये प्रसाद लेते हैं हम। नमस्ते। तो यहाँ पे मंदिर में सबसे पहले आके हमने लिया है प्रसाद, चलते हैं मंदिर में माता के दर्शन करने के लिए। यहाँ एंट्रेंस पे देखिए काफ़ी शॉप्स है, माला और बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से खरीद सकते हैं। चल रहे हैं मंदिर के अंदर से, बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है नगाड़े ढोल ढमाकों की। इसे शक्तिपीठ, शक्तिपीठ है ना ये? तो आप लोग आते रहते हैं यहाँ पे? सब सही है, अच्छा है ढाका में? अच्छा है। मैं इंडिया से। इंडिया कौन कौन? दिल्ली के पास, हरियाणा। हरियाणा से तो आप आते हैं उधर इंडिया आए? जाए हम कलकत्ता। कलकत्ता, अच्छा। तो मंदिर के बारे में कुछ थोड़ा सा बता पाएंगे? इट्स अवर नेशनल टेम्पल
and all types of religious festivities occurs here. And also the marriage ceremony, माने beer program, इग्लू शॉप, everything. हिंदू शादी होती है वो यहाँ करते हैं. हाँ, यहाँ पे अच्छा मंदिर में मेन फेस्टिवल कौन सा सेलिब्रेट करते हैं? मेन दुर्गा पूजा. हियर इज द मेन टेंपल देयर ढाकेश्वरी माँ. अच्छा देयर आर फोर लॉर्ड शिवा. लॉर्ड शिवा यस ओके. एंड दिस वन इन दिस आदि मंदिर. आदि मंदिर आदि मंदिर रियल वेरी ओल्ड टाइम माँ ढाकेश्वरी मंदिर. ओल्ड एंशियंट एंशियंट एंशियंट. ही इज माय सन. ओके. And today is his Uponayan. Birthday. Poita. Birthday. Not birthday. Uponayan. Brahmo. He goes Boydik to yeah. goes on Boydik mantra dikhito hobe. Okay. Om Brahmane Namo. Okay. Okay. Mane Brahmacharya step pe pouchabe. Acha. He goes on Brahmacharya step. Okay. Brahmacharya stage. Brahmacharya stage. Yes. What's your age? 13 प्लस नो 12 प्लस. ढाकेश्वरी मंदिर के बाहर यहाँ पे मिले हैं. ढाका में पूरी हिंदू फैमिली है. यहाँ पे आए हैं ये अपने बच्चे का जैसे यंग होता है ना तो उसके लिए एक सेलिब्रेशन करने का तरीका है. यहाँ मंदिर में आके पूजा करवाते हैं. ये पूरी फैमिली है. बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके. आप भी कभी इंडिया आइएगा उधर. yes, आएंगे. मुझे मंदिर में आए हैं सबसे पहले आपको करवाते हैं दर्शन माता के. जय माँ ढाकेश्वरी. ढाकेश्वरी मंदिर के अभी हमने दर्शन किए और अभी कुछ समय यहाँ बैठे हैं कि सुकून के पल बिता पाए. यहाँ पे आके दर्शन करना इतनी दूर इंडिया से आके यहाँ पे मतलब माता ने बुलाया मुझे, ये बहुत लकी फील कर रही हूँ अपने लिए. जय माँ ढाकेश्वरी. और मंदिर में यहाँ पे ना बहुत ही खूबसूरत बैंक्वेट भी है जहाँ पे यहाँ के हिंदू लोग शादी करते हैं. जैसे यहाँ देखो इनकी शादी का ये लगा रखा है सुनंदा वेड सुमन. पर्टिकुलर इस जगह में ना बहुत ग्रीनरी देखने को मिली है. देखो कितने यहाँ पे पेड़ हैं, पूरी ग्रीनरी ग्रीनरी. मजा आ गया देख के. ओके ओके. सामने मेला लगा हुआ है 2028 नहीं है भाई वो आई थिंक 4 है. ये लाइब्रेरी चलती फिरती लाइब्रेरी. ढाकेश्वरी मंदिर के बाद अभी पहुंचे हैं ढाका विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पे. यहाँ पे ये पूरी यूनिवर्सिटी का एरिया है ढाका यूनिवर्सिटी का. लुकिंग सो प्रिटी. यू आर फ्रॉम ढाका. हिंदी आती है आपको? थोड़ा थोड़ा. आज कोई फंक्शन है क्या? फेयर. विच इज दिस फेयर? बुक फेयर. आए आप कभी इंडिया? डू यू लाइक इंडिया? वीसा टिकट पासपोर्ट वी गो. ओके आई विल सेंड यू. ओके. ढाका यूनिवर्सिटी का ये टिकट काउंटर है. देखते हैं अभी हम टिकट लेंगे उत्तरा के लिए. और ये देखो ऐसे यहाँ पे भीड़ है. मतलब मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ की मेट्रो में भी काफी लोग हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं. और ये देखो ढाका पुलिस से मिली आप. तो हमें जाना है उत्तरा नॉर्थ के लिए. उत्तरा नॉर्थ के लिए 90% की टिकट है. 90% की यहाँ पे लाइन लग गई हम. थैंक यू. और इस मेट्रो को ऑपरेट करती है ढाका मास ट्रांजिट कंपनी लिमिटेड. और सामने यहाँ पे टिकट वेंडिंग मशीन भी लगी है. तो चलते हैं सबसे पहले प्लेटफॉर्म की ओर. ढाका मास ट्रांजिट मेट्रो जो है ये इसमें ऐसा कुछ कार्ड मिलता है आपको सिंगल जर्नी टिकट. और हमें पड़ी है ये 90% की. 90% सिंगल जर्नी. ओपन. तो आज के एंट्री करके यहाँ से चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर. ये वैसे पहली बार होगा कि बांग्लादेश की मेट्रो से हम जा रहे हैं. ढाका यूनिवर्सिटी मेट्रो स्टेशन फर्स्ट कोच इधर भी विमेन के लिए रखा हुआ है. दूरी से आ रही है मेट्रो. रश देखो भाई यहाँ पे ढाका यूनिवर्सिटी मेट्रो पे. ग्रीन कलर की ऐसी कुछ दिखती है ये मेट्रो. ग्रीन और रेड जो कि यहाँ के फ्लैग से मोटिवेटेड है. देख लो भाई ऐसी है यहाँ की मेट्रो. फीमेल कोच में ही आज करेंगे सफर क्योंकि ये पूरा कोच महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है. और बहुत से फीमेल भी मैं देख रही हूँ यहाँ पे ट्रैवल करती है इस मेट्रो में. ओके वाओ यू लुक सो ब्यूटीफुल. आर यू बांग्ला फ्रॉम ढाका?
ओके सो इट्स सो कंफर्टेबल फॉर ऑल ऑफ द गर्ल्स ओके कन्वीनियंट एंड बजट फ्रेंडली है ओके डेली ट्रैवल करते हो इसी से आप दो दिन से स्टार्ट किया अच्छा तो आप पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में व्हाट आर यू डूइंग ग्रेजुएट ओह दैट्स ग्रेट देखो नेक्स्ट स्टेशन के लिए अभी डोर ओपन हुआ है और यहाँ पे भी काफी ज्यादा रश जो है देखने को मिला है बॉलीवुड फैन हो अच्छा कौन सी मूवी अच्छी लगती है फेवरेट एक्टर कौन है शाहरुख यहाँ पे बॉलीवुड की भी फैन है कौन सी जगह उत्तरा साउथ काफी खूबसूरत है यहाँ पे देखो यार बिल्डिंग्स और लेक लेक इज दिस लेक और रिवर लेक ये काफी खूबसूरत जगह देखने को मिली है यार इतना खूबसूरत ढाका वाह तो फाइनली हमारा उत्तरा नॉर्थ लास्ट स्टेशन आ चुका है तो ढाका मेट्रो का ये हमारा एक्सपीरियंस था और पहुंच गए हैं हमारे फाइनल उत्तरा नॉर्थ यहीं तक जाएगी ट्रेन और यह एक्सपीरियंस तो काफी अच्छा रहा अब बहुत तेज भूख लगी है चल के कुछ खा लिया जाए बाय ढाका मेट्रो तो लंच के लिए अभी आए हैं रिजाला पे और यहाँ पे हमने वेजिटेरियन फूड खोजते खोजते मिला हमें दाल तड़का काफ़ी सही लग रही है वैसे पतली सी है राइस के साथ खाने के लिए तो काफ़ी सही है वैसे रोटी के साथ थोड़ी गाढ़ी होनी चाहिए थी और साथ में ये आलू बुरथा थोड़ा सा सलाद तो वेजिटेरियन में ये सब ऑप्शन है नॉन वेज का तो पूरा भंडार है और मतलब ठीक लग रहा है देखने में तो खा लिया जाए यार भूख लगी है बहुत ज़ोर से ये आलू बुरथा दाल अच्छी है गुड फूड ये बांग्लादेशी आदमी की गाड़ी है तो हमने लिए किनले की बॉटल कितने की कथड़ा 30 टका ओके इंडिया में मिलती है 20 की यहाँ पे है 30 टका क्या बुलाते हैं इसको ये नहीं वो पुचका वन पीस टेस्ट हाँ इंडिया गोलगप्पे बांग्ला पुचका लो अभी चले यहाँ का ना गोलगप्पे भी टेस्ट कर ले कि बांग्लादेश के पानी में और इंडिया के पानी में क्या फर्क है वाह पानी डाला पानी गरम पानी गरम नो ठंडा यहाँ पे गरम देते हैं बहुत गरम है मीठा है गुड इमली वाला खट्टा मीठा पानी यहाँ पे गरम देते हैं हमारे तो चिल्ड होता है एकदम सूप जैसा लग रहा है सुबह दोपहर को ना लंच करके तो बस सोचो क्या हालत हो गई थी चित हो गए थे हम बिल्कुल चित कहते हैं ना नींद आ गई थी खतरनाक अभी शाम को दोबारा 6 बजे फ्रेश होके थोड़ा सा निकले हैं VIP बस तो जी व्यूअर्स ये थी वीडियो और आपने देखा हिंदुस्तानी लड़की बांग्लादेश घूम रही है बांग्लादेश के होटल दिखा रही है खाना दिखा रही है और उसके बाद जैसे ही ये टेंपल पहुंची है तो वहां पर देखकर हैरान रह गई कि बांग्लादेश के अंदर भी हिंदू कितने ज्यादा खुश हैं ये जो तासुर दिया जाता है मीडिया के जरिए हिंदुस्तान के अंदर के बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू बहुत ही ज्यादा तंग हालात में रहते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता है हिंदुओं को कन्वर्ट किया जाता है तो ऐसा तासुर सिर्फ मीडिया में देखने को मिलता है रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है बांग्लादेश के अंदर जिस तरह बंगाली अपना खुश रहते हैं जिस तरह मुसलमान वहाँ पर आज़ाद रहते हैं इसी तरह दूसरा मज़हब जैसे कि हिंदू हैं ईसाई हैं वहाँ पर सिख हैं सभी आज़ादी के साथ रहते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती मीडिया के ज़रिए जो नफरत दिखाई जाती है ऐसा रियल लाइफ में कुछ भी नहीं होता और बांग्लादेश की मेट्रो ट्रेन का सफ़र भी किया और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं बांग्लादेश की मेट्रो रेल का तो ये थी आज की वीडियो आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा बहुत शुक्रिया